हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विकास और आप में से ना काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं पता कि अपने फोन पे कस्टम रोम अगर इंस्टॉल करें तो करें कैसे। वेल, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही सिखाने वाला हूं कि आप किसी भी फोन पे कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। और बीच बीच में ना कुछ काम की बातें की हैं जो आपके काम आने वाली है, तो ये मैं सोचना कि पका रहा हूं, उन बातों को भी सुन लेना, आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल वो भी रहेंगी। और बिना ज्यादा टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सिखाते हैं आपको कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल की जाती है। अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हो और आपको नहीं पता कि कस्टम रोम इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, तो आपको बता दूं, बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए आपके डिवाइस का और उस पर कोई भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। वेल, दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप पहले चैनल पे वो वीडियो देख लो, उसके बाद इसको देखना। तो सबसे पहले अपने डिवाइस को कस्टम रिकवरी में बूट कर लेना है। तरीका बिल्कुल सिंपल है, पावर बटन के साथ में वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखना है। कुछ फोन के ऊपर वॉल्यूम अप बटन भी हो सकता है, तो आपको अपने डिवाइस का तरीका गूगल से आसानी से मिल जाएगा। और एक बार आपका डिवाइस रिकवरी मोड में आ गया तो यहां आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। वेल, ये अभी TWRP रिकवरी है, और भी बहुत सारी रिकवरीज होती हैं, आप चाहो तो अलग रिकवरी भी इस्तेमाल कर सकते हो, तरीका सेम रहेगा, थोड़ा सा इंटरफेस में बदलाव हो सकते हैं। वेल, बैकअप एंड रिस्टोर बहुत ज्यादा काम के ऑप्शन है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, देख लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने डिवाइस पे कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आएगा बैकअप एंड रिस्टोर। और अब आपको क्या करना है, यहां आपको आना है वाइप वाला, ये पार्ट आप लोग देख रहे हो। तो सबसे पहली बार जब अपने डिवाइस पे इस चीज को करोगे तो हो सकता है आपको फॉर्मेट डेटा भी करना पड़े, ताकि आपके फोन में जो इंक्रिप्शन होता है ना वो हट जाए और उसके बाद आपके फोन में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और एक बार आपने फॉर्मेट कर लिया, जो कि हर बार जरूरी नहीं है, सिर्फ पहली बार जरूरत होगी, इसके बाद एडवांस वाइप में आपको जाना है, डेल्विक हार्ड कैश, कैश सिस्टम, वेंडर और डेटा। ये पांच पार्टीशन हैं जो प्राइमरीली हमको फॉर्मेट करने होते हैं अपने डिवाइस पे या वाइप करने होते हैं, तो सिंपली स्वाइप टू वाइप कर देंगे और फालतू किसी भी पार्टीशन को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो वाइप हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, अब सिंपली बैक चलेंगे और बैक चलने के बाद में बिल्कुल होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, यहां आपको देखेगा इंस्टॉल। अब इंस्टॉल में आपको आ जाना है और यहां आपको कोई भी कस्टम रोम अपने फोन में रख लेनी है डाउनलोड करके। आप चाहो तो गूगल एप्स भी अपनी पसंद के रख सकते हो, और बहुत सारी रोम्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको गूगल एप्स अलग से नहीं डालने, उसके साथ में ही इंक्लूड आते हैं। तो अभी मैं चलता हूं अपने उस फोल्डर में जहां मैंने अपने रोम को रखा हुआ है। पहले रोम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, तो पिक्सल प्लस यूआई रोम है जो मैं अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करूंगा, और इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया जी एप्स यानी गूगल एप्लीकेशंस वो इनबिल्ट या इंक्लूड आती हैं, तो आपको अलग से उनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। सिंपली हमने अपने रोम को सिलेक्ट किया और यहाँ आप देख सकते हो रोम का जो भी नंबर है, जो भी बिल्ट वगैरह है या कौन सा अनऑफिशियल है ऑफिशियल है वो सब दिखेगा। बाकी सारी चीज़ें भी, अगर आप चाहते हो कि ऐड मोर जिप, यहाँ पे एक से ज़्यादा आपके पास फाइल है, मान लो आपको पहले कस्टम रोम इंस्टॉल करनी है, फिर उसके बाद जी एप्स करनी है, उसके बाद मैजिक करना, तो आप मल्टीपल फाइल भी ऐड कर सकते हो यहाँ से, फिर वो अपने आप एक एक करके इंस्टॉल होती रहेंगी। और अगर आप उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हो कि मान लो मैंने भाई 3-4 फाइल सेटअप कर दी, मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। सिंपल फाइल के लिए स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश, और हमारी जो कस्टम रोम है वो अब इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, 2-3 मिनट का, तो आपको उसके लिए वेट कर लेना है। तो फाइनली हमारी कस्टम रोम इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, वाइप कैश एंड डेल्विक, ऑप्शनल है, अगर आप कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे तो भी कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, सिर्फ आपके जो कैश फाइल्स होती है उनको ये क्लियर करता है। मैं रिकमेंड करूंगा पहली बार जब आपने कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल किया है तो आप इसको कर ही लें। और इसके बाद सिंपली आपको दिखेगा रीबूट सिस्टम, तो इस बटन पर आपको प्रेस कर देना है एंड अब आपका फोन आपके कस्टम रोम में बूट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा डिवाइस बूट हो चुका है और अब इसको सेटअप कर लेते हैं। इसके बाद में किस तरह की हमारी कस्टम रोम है वो आपको थोड़ा सा प्रीव्यू जरूर दूंगा। तो सब कुछ सेटअप हो जाने के बाद आपको फोन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें हमने कस्टम रोम इंस्टॉल की है। और कस्टम रोम का बेनिफिट क्या होता है, उसके अंदर आपको कोई भी फालतू की चीज देखने को नहीं मिलती। तो अभी आप यहां पे देख सकते हो आपको सिर्फ कुछ गिने चुने एप्लीकेशन दिख रहे हैं, ऊपर वालों पर ध्यान मत देना, वो रिकमेंडेशन है, वो ऐप यहां भी आपको दिखेंगे, वो सिर्फ ऊपर दिख रहे हैं। तो एकदम क्लीन एक्सपीरियंस एंड्रॉइड वाला आप लोग यहां पे कर सकते हो, जिन चीजों की आपको जरूरत है आप खुद डाल सकते हो, जिनकी जरूरत नहीं है आप बिल्कुल मत डालना। और अलग अलग तरह के कस्टम रोम्स अवेलेबल हैं, काफी सारे पोर्ट भी, आप चाहो तो सैमसंग की, ऑक्सीजन ओएस यानी कि वन प्लस की, या फिर और भी बहुत सारे फोन्स की कस्टम रोम को अपने फोन पे ट्राई कर सकते हो अगर वो अवेलेबल है। और ये चीज काफी ज्यादा कूल लगती है, मैं इसको लगभग पिछले 1-1.5 साल से हर वीक कर रहा हूं, हर हफ्ते एक नया कस्टम रोम। तो देखा आपने, कुछ ही स्टेप्स में आप अपने फोन पे किस तरह से कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हो और उसको एंजॉय कर सकते हो। वेल, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन आप लोगों को नहीं आता तो मेरा काम है उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाना कि चीजें कैसे होती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।